प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमन सेठी ने आरोप लगाया कि सरकार बाहरी राज्यों के लोगों को नौकरियां दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला में हरियाणा के 3 लोगों को हेल्थ वर्कर नियुक्त किया है। सेठी ने पूछा कि इस कथित धांधली पर स्वास्थ्य मंत्री चुप क्यों है। अमन ने कहा कि 50 साल पहले हमारे पास आप नहीं आए, आए थे आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी या नानी जी। वो थी इस रिश्ते की बुनियाद। उसके बाद आपके पिताजी, माँ और अन्य परिवारजनों ने इस रिश्ते को जारी रखा। 50 साल से जुड़ा हुआ ये रिश्ता ही तो है जिसने 5 लाख से ज्यादा लोगों को इस विश्वास के अटूट बंधन में बांध के रखा है। और अब हम इस रिश्ते को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं आपके साथ। आइए गहनों से भरे हमारे 5,000 स्क्वायर फीट में फैले भव्य शोरूम, जहां आप पाएंगे आपकी सेवाओं में हमारे तकरीबन 100 से अधिक सहकर्मी, उसी 50 वर्षों से चली आ रही गारंटी के साथ सही कीमत, पूरी शुद्धता और जिंदगी भर की सेवा के वादे के साथ। तो स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स पर। और हाँ, अपने बच्चों को साथ लाना मत भूलिए, आखिर आपकी और हमारी परंपरा को वही तो कायम रखेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े वादे करती है प्रदेश के युवाओं के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए बातें करती हैं, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिखाने के लिए कुछ और है और कहने के लिए कुछ और है। ताज़ा उदाहरण यही है कि अभी स्वास्थ्य विभाग में मेल हेल्थ वर्कर की नियुक्तियाँ की गई, जिसमें 3 लोगों की नियुक्तियाँ हुई। वो तीनों के तीनों लोग बाहर राज्य से रखे गए। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि क्या हमारा हिमाचल का युवा इतना सक्षम नहीं है? क्या हिमाचल का युवा हमारा इतना वो सक्षम नहीं है कि आप उनको, हिमाचल के युवाओं को नौकरी दे सके? जो इसमें 3 लोगों को नौकरियां दी गई, वो तीनों के तीनों हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें हमारे राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में 2 लोगों को नौकरियां दी गई मेल हेल्थ वर्कर के लिए। तो सीधा सीधा ये सरकार के ऊपर सवाल है कि सरकार के जो चेहरा है वो दिखाने का कुछ और है और कहने का कुछ और है। जो युवाओं को छला जा रहा है, उनके भावनाओं से खेला जा रहा है। और इसी विषय में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री इस सवाल का जवाब दे कि क्या हिमाचल का जो युवा है वो सिर्फ वोट देने के लिए है और नौकरियां जो है वो बाहरी राज्य के लोगों को दी जा रही है? जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आने वाले कोई इसी महीने के माह के आखिर में प्रधानमंत्री जी जो मंडी में आ रहे हैं और युवाओं का एक सम्मेलन कर रहे हैं, होर्डिंगें बड़ी बड़ी लगाई जाइए कि 1 लाख युवा उस सम्मेलन को सुनेगा। तो मैं यही सवाल करता हूं कि वोट तो मांगो हमारे हिमाचल के युवा से, और लेकिन नौकरी बाहरी राज्य के युवा को दो मुख्यमंत्री जी, ये नहीं चले। प्रदेश में चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं युवाओं के लिए कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। और अभी एक बहुत बड़ी रैली जो है वो युवाओं के नाम पे मंडी में होने वाली है, जिसका जो संबोधन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री और पूरी सरकार पे आरोप लगाते हैं कि ये युवा विरोधी है और बेरोजगारी रोजगार देने के नाम पे हिमाचल के युवाओं से एक धोखा किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग जो कि घोटालों का अड्डा बन गया, इसमें एक नई चीज आई है कि बाहर के जो लोग हैं खासकर हरियाणा के, उनमें उनको जो है रोजगार दिया गया हिमाचल के रोजगार युवाओं के हितों को दरकिनार रखते हुए। तो इस बारे में जानकारी आपको अमन सेठी जी पूरे तथ्यों के साथ आज देंगे। एक ये बहुत बड़ी बात है कि किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के युवाओं के भविष्य को छला जा रहा है और सरकार किस प्रकार से बेवकूफ बना रही है हिमाचल की जनता को। आपका फैसला के लिए सोलन से ठाकुर ज्ञान सुमन की रिपोर्ट।